हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुणा एबीसी आर्ट्स पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल के बटन को दबाना ना भूले ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम एक बास्केट डेकोरेट करेंगे, तो चलिए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। बास्केट डेकोरेशन के लिए देखिए, हमने इस तरह की बास्केट लिए, ये बेंत की टोकरी है, इसे हम आज डेकोरेट करेंगे। इसके लिए हमने देखिए वेलवेट का कपड़ा चूज किया है, ये रेड कलर का वेलवेट का कपड़ा है। और इस पर हम देखिए इस तरह के मोती के फ्लावर्स यूज करेंगे, ये रेडीमेड फ्लावर्स हैं, बहुत ही आसानी से मोती के फ्लावर्स मिल जाते हैं। ये वाले मोती के फ्लावर्स हम यूज करेंगे और मोती की ही देखिए इस तरह की लड़ी है वो हम यूज करेंगे इसमें। तो चलिए बनाना शुरू करते। सबसे पहले हमें बास्केट के लिए देखिए वेलवेट का राउंड कपड़ा चाहिएगा कटिंग किया हुआ, ये देखिए ये हमने बास्केट के साइज से थोड़ा बड़ा कटिंग किया है कपड़ा। ये देखिए ये हमने अंदाजे से बास्केट के साइज से बड़ा किया है, कटिंग किया है कपड़ा। इस तरह से हम इसे चिपका देंगे अंदर की तरफ से। और फिर देखिए इतना बड़ा कपड़ा लेना है कि बाहर से हमारी पूरी बास्केट ये कवर हो जाए। इस तरीके से हमारी पूरी बास्केट कवर हो जानी चाहिए। सबसे पहले इसे हम अंदर से चिपका देंगे, उसके बाद में हम इसे बाहर से चिपका के तैयार कर देंगे। ये देखिए हमारी बास्केट पूरी तरह से कवर हो गई है, ये देखिए चिपका के हमने, और देखिए पीछे भी पूरी तरह से हमने इसे कवर कर दिया है। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। देखिए डेकोरेट करने के लिए सबसे पहले हम ये फ्लावर लेंगे, इन फ्लावर को हम पूरा इस तरीके से फ्लैट कर देंगे, पूरा वायर हम पीछे करके पूरा फ्लैट कर देंगे। जो वायर है इसे भी हम फोल्ड कर देंगे और प्रॉपर हम इसे फ्लावर की शेप दे देंगे। पहले देखिए इस तरीके से इसे फ्लावर की शेप दे दी। अब हमें क्या करना है, बास्केट पे, पूरी बास्केट में जहां तक हमने कवर किया है, जैसे ये रखने की है यहां तक, आप देख रहे हैं ये नीचे तक हमें इसमें फ्लावर पूरे लगाने हैं। तो सबसे पहले हम एक रो से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग रो, बहुत ऊपर तक नहीं ले जाएंगे हम, एकदम हल्की सी ऊपर रख के ये एक फ्लावर हम स्टार्ट करेंगे यहां पर लगाना। रू की हेल्प लेंगे हम, अच्छे से रू लेंगे और ये देखिए इस तरह से चिपका लेंगे। चिपकने का वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। हमारा फ्लावर चिपक गया। इसी तरह हम अब पूरे में फ्लावर अरेंज करेंगे, ठीक इसके बाजू में इस तरह से हल्का सा, बहुत ज्यादा गैप नहीं, थोड़ा थोड़ा सा गैप देके, ताकि नीचे जो हमारा कपड़ा है वो भी दिखे। उसके साथ में ये व्हाइट फ्लावर की शो बहुत आती है। इसी तरह हम पूरे बास्केट पे फ्लावर लगाएंगे पास पास में, जैसे हमने इसके पास में ये लगाया उसी तरह से हम फिर एक रो लगने के बाद में उसके नीचे एक और रो लगाएंगे इस तरीके से। तो हमें बेसिकली पूरी बास्केट को फ्लावर से पूरा कवर करना है। देखिए इस पर हमारे फ्लावर लग के रेडी हो गई हमारी नीचे से बास्केट, ये देखिए चारों तरफ फ्लावर लग गए हैं। अब हम इसे ऊपर से डेकोरेट करेंगे। यहां से डेकोरेट करने के लिए देखिए हम ये मोती की लड़ी लेंगे, तरीका वही बहुत सिंपल है। सबसे पहला राउंड हम फर्स्ट बास्केट के चारों तरफ घुमा देंगे, एकदम बास्केट के ऊपर लगाएंगे, फर्स्ट लाइन हमारी बास्केट के एकदम ऊपर लगेगी। ऐसे हम चार से पांच लाइनें कम से कम भी इसमें लगाएंगे, बट एकदम पास पास में लगाएंगे। बताती हूँ कैसे, ये देखिए सबसे पहले हम राउंड लगाएंगे, माला बीच में से जॉइंट होगी तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पता ही नहीं चलेगी कि कहां से जॉइंट है। ये देखिए इस तरह से हम सबसे पहले एक लाइन कवर करेंगे, उसके बाद में हम बिल्कुल उसी के पास में से, ये आप देख रहे हैं ये एक लाइन हमारी हो गई, मैं स्लांट करके दिखा रही हूं, ये हमारी एक लाइन हो गई, इसके पास में से ही हम
ये जो दो मोती है उसके बीच में से हम स्टार्ट करेंगे इसकी सेकंड लाइन, इस तरीके से ये हमारी सेकंड लाइन जाएगी दो मोती के बीच में से। इसी तरह हम कम से कम भी 4 से 5 लाइन लगाएंगे, इतना चौड़ा बॉर्डर कम से कम भी हम इस बास्केट का रेडी करेंगे। अंदाजे से बता रही हूँ, 2 इंच जितना कम से कम भी चौड़ा हम इधर इसका बॉर्डर तैयार करेंगे, उसके लिए हमें 4 से 5 लाइनें तो मिनिमम घुमानी पड़ेगी। अगर 6 लाइन हो तो भी लग सकती है इसमें, ये हमें लगा के देखनी पड़ेगी कि कितनी लाइनें लग रही है। बस बहुत तरीका सिंपल है, इस राउंड के चारों तरफ करना है हमें, एक और राउंड लगाना है और दो मोती के बीच में एक मोती आए इस तरीके से लगाएंगे। फिर अगेन हम थर्ड लगाएंगे जब दो मोती के बीच में एक आए, उस तरीके से हम चारों तरफ इसमें माला घुमाते जाएंगे। ये देखिए हमारी बास्केट रेडी हो गई है, इस पर देखिए हमने 4 लेयर मोती की लगाई है अंदर की तरफ, 1 लेयर हमने मोती की बाहर की तरफ लगाई है, और देखिए कुछ फोम फ्लावर्स भी इसमें लगाए हैं मैंने, ये देखिए कुछ फोम फ्लावर्स भी। ये देखिए बास्केट तैयार करने का एक ये तरीका हमारा है जिसमें हमने काफी सारे फ्लावर्स इधर नीचे साइड में लगाए हैं और मोती की चौड़ी लाइन हमने ऊपर लगाई है। इसी तरह से देखिए हमने और अलग तरह की एक बास्केट रेडी की है, ये देखिए जिसमें हमने देखिए मोती की लड़ियां साइड में लगा दी है, ये देख रहे हैं आप, ये मोती की लड़ियां साइड में लगा दी है और जितने भी मोती के फ्लावर्स है आप देख रहे हैं ये हमने पूरी टोकरी में चारों तरफ लगा दिए हैं। मोती के फ्लावर्स हमने चारों तरफ लगाए हैं और ये देखिए लटकन हमने साइड में लगाई है। इस तरीके से आप छोटी बड़ी कैसे भी टोकरी हो उसे सजा सकते हैं। देखिए हमने इससे भी छोटी एक टोकरी सजाई है, ये देखिए इसमें भी हमने बिल्कुल उसी तरह से लटकन साइड में लगा दी है और फ्लावर्स देखिए बीच में लगाए हैं। इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से अपनी टोकरी सजा सकते हैं।